वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं फोक्सवैगन वर्टस का जीटी लाइन वेरिएंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 मई को गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, बट आज हम इसको शूट कर रहे हैं 14 मई को, तो ये गाड़ी जो कल लॉन्च होने वाली है। यहाँ पे आप गाड़ी के लुक्स देख सकते हैं। डेफिनेटली जो गाड़ी है वो बहुत ही किलर है, आपको बहुत ही मस्त लुक यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। व्हाइट कलर में तो मतलब एक प्रीमियम कार से भी मतलब ऊपर की दिखती है, काफ़ी मतलब अच्छे लुक्स आपको इस गाड़ी के अंदर जो है व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। और ये जो रेड कलर है और जो मतलब बाकी के कलर्स आए गए थोड़े फंकी कलर्स है, तो ये थोड़े स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ कि आपको गाड़ी के अंदर जो है ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिलता है, गाड़ी का जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा है। फीचर्स तो आपको मतलब टाइगून वगैरह जो मतलब इसकी एसयूवी कार्स आती है फोक्सवैगन की, उसी की तरह मिलता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। स्लाविया से अगर आप इसको जो कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम गाड़ी है, लुक्स अलग है। और जो स्लाविया का जीटी लाइन वेरिएंट आता है, मतलब जो टॉप वेरिएंट आता है उसको जीटी लाइन बोलते हैं, यानी मुझे याद नहीं, तो उसके अंदर आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है पूरे ही सेम मिलते हैं, बट इसके अंदर जो है थोड़े कलर कॉम्बिनेशन अलग दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकोगे। अलग जो है पूरे ही ब्लैक आउट किए हुए हैं, साइड मिरर्स आप देख सकते हैं पूरी ब्लैक आउट है, टॉप आप देख सकते हैं पूरा ही ब्लैक आउट है, एंड फ्रंट हेडलैम्प्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी ही ब्लैक आउट की हुई है। टेल लैम्प्स भी इसकी जो है ब्लैक आउट ही आती है, नीचे के मॉडल में भी ये सेम ही आती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि जीटी लाइन वेरिएंट के अंदर आपको जो ये नॉर्मल 1 लीटर के इंजन वाला जो टॉप लाइन वेरिएंट से आपको जो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसका फ्रंट देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो इसकी DRLs मिलती है, देन यहाँ पे ऊपर जो इसकी प्रोजेक्टर LED जो हेडलैम्प्स दी गए हैं, यहाँ पे LED रिफ्लेक्टर्स जो दिए गए हैं, नीचे के साइड में यहाँ पे जो हैलोजन आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, और जो इसका मतलब फॉग लैम्प का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पे नीचे जो आपको पूरा ही जो पैनो ब्लैक फिनिश मिलता है इसके बम्पर के ऊपर, उसके नीचे आपको जो है क्रोम की पट्टी भी मिलती है, और ग्रिल के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो है क्रोम की पट्टी मिलती है, जो कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टॉप लाइन वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सेम मिलती है। और देन आप यहाँ पे एक बार गाड़ी का साइड लुक देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको मतलब टॉप लाइन वेरिएंट के वीडियो के अंदर बताया कि गाड़ी के अंदर आपको जो ये मतलब लेंथ वगैरह कितनी मिलती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, बट इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको जो बता देता हूँ, तो 4.5 मीटर्स के आपको इसकी जो लेंथ मिलती है, 2.6 मीटर का आपको यहाँ पर जो इसका व्हील बेस मिलता है, हाइट आपको जो है 1.6 मीटर के आसपास मिलती है कुछ तो भी, एंड 190 mm का जो है 188 mm का आपको इसके अंदर जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ये जो टाइगून देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर भी आपको जो है 188 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है। और एक चीज़ स्पेशल बताऊँ ना, तो दोनों गाड़ी के अंदर आपको जो है सेम पावर मिलती है, तो ये शायद से जीटी लाइन वेरिएंट नहीं है, बट जो इसका जीटी लाइन वेरिएंट आता है ना टाइगून का, और ये जो मतलब अपना वर्टस का जीटी लाइन वेरिएंट है ना, दोनों के अंदर सेम पावर है, सेम टॉर्क है, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। तो अगर आप मतलब एक एसयूवी गाड़ी के ऊपर से स्विच करना चाहते हैं, या अगर आपको एक एसयूवी गाड़ी भी लेनी है ना, तो आप ये वाली सेडान जो है चूज कर सकते हैं, इतनी मस्त गाड़ी है यह, लुक्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है ये पीछे से थोड़ी सी जो है जेटा जैसी दिखती है, यहाँ पे आपको जीटी की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे वर्टस की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे फोक्सवैगन का लोगो मिलता है, जो कि मतलब काफ़ी मतलब नॉर्मल सी चीज़ें है। पीछे जो जीटी लाइन वेरियंट है स्पेशली, उसके अंदर आपको जो है एक स्पॉयलर मिलता है ब्लैक कलर का, एंड मैं आपको ये जो चीज़ें है ये ब्लैक आउट वाली है, तो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बाकी आप यहाँ पे अलॉयज भी देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह के यहाँ पे जो अलॉयज मिलते हैं, 16 इंचेस के अलॉयज हैं। टायर प्रोफाइल, व्हील प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिम प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 205/55 R16 इसकी जो है टायर प्रोफाइल है, और ये है गाड़ी की कंप्लीट साइड लुक। तो डेफिनेटली जो गाड़ी का प्रेजेंस है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, और यहाँ पे साइड में भी जो है जीटी की बैजिंग जो है दे रखी है, साइड मिरर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी ग्रे कलर में लगती है। एंड यहाँ पे चलते हैं डायरेक्टली गाड़ी के अंदर, और अंदर आपको क्या डिफरेंट चीज़ें मिलती है और क्या मतलब स्पेशल बातें मिलती है उसकी हम बात करते हैं। तो ये भी जो मतलब अपना टाइगून वाला प्लेटफॉर्म है ना, MQBA 0-24 का प्लेटफॉर्म का नाम है, तो आपको वो प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी सेम बनी हुई मिलती है, तो ऑलमोस्ट आपको जो फील है वो भी सेम आने वाला है। यहाँ पर आप डोर के अंदर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो ये रेड हाईलाइट्स मिलते हैं, और यहाँ पे है इसका पूरा डोर का पैनल, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स और ORVMs के जो ये मतलब साइड मिरर के जो कंट्रोल्स मिलेंगे, बिकॉज जो इसकी साइड मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी लाल है ना, मुझे पता नहीं कि ये कलर के हिसाब से चेंज होता है या नहीं, बट यहाँ पर आपको जो गाड़ी है वो लाल है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर भी जो ये लाल दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये कुछ आपको जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मतलब सारी गाड़ियों में कॉमन रहते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं आपको इस गाड़ी की जो है साउंड क्वालिटी चेकआउट करूँगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी मतलब 8 से ज़्यादा स्पीकर आते हैं, 8 स्पीकर तो मैंने मतलब टॉप लाइन मॉडल के अंदर देखे थे।
तो थोड़ा पुराना गाना था, बट जो क्वालिटी है वो सच में बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। और मतलब अगर आपको माइक से ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा तो आप आपके जो नियर बाय जो फोक्सवैगन का शोरूम होगा वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली मैं आया हूँ नासिक के जो मतलब पाथरेड़ी फाटा पे फोक्सवैगन का शोरूम है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे आके आप ज़रूर से जो विज़िट कर सकते हैं अगर आप नासिक से हो तो। एंड यहाँ पे ये आपको कुछ कूल ग्लो बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको अगेन जो ये रेड कलर की जो ये मतलब हाइलाइट्स मिलती है, जो कि मतलब जो टॉप लाइन है उसके नीचे वाला मॉडल है। यहाँ पे आपको जो क्रोम ब्रश फिनिश मिलता है, इस गाड़ी के अंदर आपको जो है पूरा मतलब रेड रेड टच मिलेगा। देन जो सीट्स है वो आपको पूरी ही जो है ब्लैक सीट्स मिलती है, और जिसके ऊपर आपको जो है ये जो सिलाई रहती है ना, स्टिचिंग रहती है ना, ये लाल कलर की मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वैनिटी मिरर जो है दे रखी है, सनरूफ का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ पे सनरूफ की साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी साइज़ है, जो कि आप लोगों का सबसे फेवरेट मतलब चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे गियर नॉब भी देख सकते हैं, ये कुछ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर नॉब मिलता है, और यहाँ पे आपको एसी के जो कंट्रोल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ आपको यहाँ पे जो एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसको आप यहाँ से ये टच करके जो इसको हैंडल कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, बट फिज़िकल बटन्स रहते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बंद करने के लिए आपको जो यहाँ पे एक बार टच किया तो भी शायद से होना चाहिए, तो ये हो चुका है बंद। एंड यहाँ पे ये आप की भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की के साथ एक गाड़ी आती है, तीन बटन जो इसके अंदर आपको मिलते हैं। एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का जो ये डॉक दिया है, जहाँ पे आप मतलब सिगरेट भी जो अपनी जला सकते हैं। यहाँ पे दो सी टाइप के पोर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो है दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख के जो है चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये स्टोरेज स्पेस मिलती है हैंडरेस्ट के अंदर, तो ये एक मूवेबल हैंडरेस्ट है, और सेफ्टी बहुत अच्छी मिलती है आपको इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको पिलर्स के अंदर भी जो ये एयरबैग्स मिलते हैं, और फोक्सवैगन की आपको बिल्ड क्वालिटी तो पता ही है। तो चलते हैं पिछले सीट्स के ऊपर, और मैं आपको यहाँ पे एक बार पीछे आपको क्या क्या मिलता है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, एंड बाद में हम कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिछली सीट्स है ये भी पूरी ही लेदर वाली आपको मिलती है, इसके ऊपर भी जो है लाल लाल स्टिचिंग जो ये कर रखी है, ब्लैक कलर की सीट्स है। और यहाँ पे ये आपको हैंडरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर अगेन दो कप होल्डर्स है, जो पिछले मतलब तीनों पैसेंजर्स रहने वाले हैं ना उनके लिए, तीनों के लिए जो है मूवेबल हेडरेस्ट है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवेबल है, और कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे एसी के ब्लोअर्स आपको पीछे के साइड में मिलते हैं, उसके साइड में, उसके नीचे के साइड में दो यूएसबी सी टाइप जो पोर्ट दिए गए हैं। और एक मतलब ताजुब की चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर जो ये आपको यूएसबी पोर्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको सारे जो ये सी टाइप पोर्ट ही मिलने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आ सकती है। बाकी आप यहाँ पे ट्विटर्स देख सकते हैं, नीचे के साइड में स्पीकर्स देख सकते हैं, भाई डेफिनेटली जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। और एक बार आप इस गाड़ी का जो डोर थर्ड भी सुनिए, वाओ व्हाट मतलब क्या आवाज़ आती है। और बूट स्पेस आपको जो है 521 लीटर की मिलती है, तो बहुत अच्छी बूट स्पेस है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टाइगुन, जिसके सेम प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी है। मुझे तो मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती है वो आपको सेम इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है, बस शेप अलग है, इंजन पूरा सेम है। एक बार मैं आपको इसका जो इंजन भी दिखा देता हूँ, जो कि मतलब GT लाइन का सबसे मतलब मेन मुद्दा है GT लाइन ख़रीदने का बहुत सारे लोगों का। और GT लाइन के अंदर आपको जो ये माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अब मुकाबले। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सामान पड़ा है तो इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, एंड इस गाड़ी के अंदर आपको जो 147 BHP की जो पावर मिलती है, और 250 NM का आपको इसके अंदर जो टॉर्क मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसके जो ये अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, काफ़ी मतलब सिंपल तरह से इसको जो अरेंज किया है। इंजन भी अगर आप देखें ना तो ये भी काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे जो मैनेज किया है। और ये यहाँ पे हमने इसका बोनट बंद कर लिया। तो भाई ये है कुछ फोक्सवैगन की वर्टस, बाकी आप यहाँ पे वाइट कलर भी इसका देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। और ये एक टॉप लाइन मॉडल है, तो टॉप लाइन मॉडल के अंदर आपको जो ये मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारी जो ब्लैक आउट चीज़ें मिलेगी, तो ये आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। और इंजन आपको इसके अंदर जो है 1 लीटर का मिलता है, जो कि 115 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, और 172 NM का जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये थोड़ी चेंजेस आपको इसके अंदर जो मिलता है, जो कि प्राइस के अंदर जो है काफ़ी बड़ा बदलाव लाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्राइजेस तो अभी तक इस गाड़ी की आई नहीं है, तो जब भी आएगी मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूले। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।